हेलो गायज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गायज कैसे हो आप सब? और फ्रेंड्स, मैं आपको ना आज एक अच्छी सी, मतलब 800-900 साल पुराना मंदिर है, और इस मंदिर का नाम है श्री रघुनाथ जी मंदिर। और मैं आपको आज ये दिखाने ले आया हूँ, और यहाँ पे बड़ी सारी मिस्ट्रीज है अंदर, और मैं अभी अंदर जाऊँगा, मैं आपको पूरा सब कुछ दिखाऊँगा। और ये मंदिर अखनूर वाले रास्ते में, जब आप हरि सिंह करा एक जगह है वहाँ से अंदर आओगे, सुई मंदिर है यहाँ पे, सिंबली, हाँ सुई सिंबल यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे ही मंदिर है, और जे एंड के धर्म ट्रस्ट के अंदर है ये जगह, तो सारी टेक केयर वही करते हैं इस मंदिर। और जो ये आप ऊपर देख रहे हो, जो ऐसे ब्लॉक्स जैसे पड़े हुए हैं, ये वुडन के, इसको गार्टर बोलते हैं। आधा तो इसमें लोहे का पार्ट भी होता है, और आधा ये लकड़ी का बनाते थे छत, क्योंकि पहले मतलब ऐसे ही बनाते थे, मतलब जितनी भी बिल्डिंग्स बनती थी वो ऐसे ही बनती थी। और गाइस ये देखिए, ये हमने पूरा देख लिया। और इसके बाद गाइस ये देखिए, यहाँ पे जो मंदिर है ये ऐसा लगता है गाइस, तो आप देख सकते हैं कुछ अच्छा है यहाँ से अंदर से मंदिर। देखिए गाइस, गाइस ये देखो कितना अच्छा मंदिर है अंदर से। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है ये। गाइस देखो राम जी की मूर्ति कितनी अच्छी है यहाँ पे, राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी की मूर्ति है यहाँ पे। अरे आप खुद देख सकते हो, ये जो पीछे यहाँ पे स्कल्पचर्स बने हुए हैं कितने पुराने हैं, ये देखिए बड़े पुराने हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पुराना मंदिर है। बड़ा ज़्यादा टाइम होता है गाइस, 1000 ईयर्स से पुराना मंदिर है। ये गाइस अंदर से, सर मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ अब। मतलब कितनी अच्छी लग रही है, डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगा मेरे को यहाँ का, कितनी अच्छी अच्छी मूर्ति हैं। ये देखिए गाइस पेंटिंग्स कितनी अच्छी हैं यहाँ पे, हर एक जगह पेंटिंग्स बनी हुई हैं कितनी अच्छी अच्छी। ये देखो गाइस ये पूरा मतलब कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। गाइज अभी पंडित जी जो मैंने उनको बुलाया था वो पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता था, जो यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे एक वो है गुफा है, वो मेरे को पता नहीं है कहाँ पे। अगर पंडित जी अगर आ गए तो फिर मैं उनको, वो मैं उनके साथ भी मतलब बता सकते हैं, ऐसे तो मैं कहीं जा नहीं सकता। तो गाइज ये देख लो कितनी अच्छी अच्छी मूर्ति हैं, और यहाँ के कॉरिडोर्स बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छी तरह डिज़ाइन हुए हैं। और गाइज ये देख लो अच्छा मंदिर है, कितना पुराना और कितना अच्छा मंदिर है। और देखिए गाइस ये जो पेंटिंग्स अंदर बनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस यू कैन सी, देखो कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी है यहाँ पे। गाइस 1000 साल पुराना मंदिर, और देखो फिर भी कितना अच्छा तरह मेंटेन किया हुआ है उन्होंने। ये गाइस ये देखिए, ये राधा कृष्ण है, ये कृष्ण जी बंसी बजा रहे हैं, उनकी कहीं वगैरह बैठी हैं यहाँ पे पूरी ऐसे मतलब पेंटिंग्स बनी हुई है, कितनी अच्छी सी सुंदर पेंटिंग्स है। गाइस आप रघुनाथ मंदिर तो गए होगे, जो रघुनाथ बाजार में वैसे ही सेम मंदिर है उसकी तरह, और गाइस कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स की हुई है यहाँ पे, ये देखिए ये देखिए गणेश भगवान जी हैं यहाँ पे। ये देखिए
ये देखिए गाइस, कृष्ण जी और राधा जी गाइस, ये था कृष्ण भगवान जी का मंदिर और वैष्णो देवी जी का मंदिर, वैष्णो माता का। तो गाइस अभी यहाँ पे हवन वगैरह किया जाता है सुबह सुबह, यहाँ का भी नवरात्रों में भी होता है और साथ में मतलब वीकली वीकली या मंथली यहाँ पे हवन किया जाता है। तो फिर से गाइस आपको मैं फिर से एक ओवरऑल व्यू दिखा देता हूँ यहाँ इस मंदिर का। तो बाकी तो आपने सब देख ही लिया है, ये जो हनुमान जी का मंदिर है, ये वाला माता रानी का मंदिर है और वो वाला राम जी का मंदिर है। और यहाँ से ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं वहाँ पर जाके यही है, कुछ बस छत है वहाँ पर और कुछ नहीं है। तो गाइस यही ओवरऑल व्यू है यहाँ मंदिर का। और वहाँ पे गुफा है जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, वहाँ जाने नहीं देते, ताला लगा दिया वहाँ पे। लेकिन लोग तो कहते हैं वहाँ से अमरनाथ की गुफा जाती है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता होगा। कहते कि एक बंदे जो साधु संत थे वो गए थे वहाँ पे, तो वो मिले नहीं, गायब हो गए वहाँ से। तो गाइस उनको पता होगा जो गए थे। तो गाइस ये है कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का मंदिर का, बड़ा अच्छा मंदिर है। ये देखिए गाइस ओवरऑल व्यू इस मंदिर का। मैं घर पे जा रहा हूँ अपने, तो बने रहे अगले ब्लॉग के लिए, फिर मैं आपको अगले ब्लॉग में और भी अच्छी नई जगह दिखाऊंगा। तो और कोई आपको सजेशन देना हो, कुछ भी चीज़ बोलनी हो, तो प्लीज़ कमेंट कर दें मेरे कमेंट बॉक्स में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।